हेलो फ्रेंड्स, इक्वेशन बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसका मैं एक और एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल पिछले वीडियो में लिया था और यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वो है अपना बेसिक मीडियम के अंदर, मतलब क्षारीय माध्यम में अपन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, चेंज हो रहा है MnO2 प्लस BrO3 निगेटिव। इसको ले लेते हैं बेसिक मीडियम के अंदर, क्षारीय माध्यम में इसको किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ मैंने वो बताया पिछले वीडियो के अंदर कि प्रत्येक का पहले क्या लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 7, ब्रोम Br माइनस माइनस का 1, MnO2 में मैंगनीज का प्लस 4 और BrO3 माइनस में ब्रोमिन का 5। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो प्लस 7 से प्लस 4 वाला है ये कहलाता है अपना, मतलब कमी हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसको बोल देते हैं अपन क्या, रिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ माइनस 1 से लेकर के माइनस 1 से ये चेंज हो रहा है प्लस 5, मतलब ये कहलाता है अपना ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों को अब अपन कैसे संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्लस 7 से प्लस 4 में ये चेंज हो रहा है मैंगनीज, तो यहाँ कितने की जो कमी है वो हो रही है। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर है वो मतलब 3 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि माइनस 1 से प्लस 5 में, तो माइनस 1 उसके बाद में 0, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो माइनस 1 से मतलब टोटल जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, मतलब कितना कम हो रहा है, माइनस 1 से प्लस 5 में आ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, ये 6 इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस का 6। माइनस 3 मैंगनीज का, माइनस 3 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है और Br नेगेटिव का प्लस 6 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, Br नेगेटिव BrO3 नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इनको प्लस, यानी अपन ने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ता है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अर्थात ऑक्सीडेशन अंक में या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। तो क्या कर देंगे यहां, तो यहां इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना, 2 से गुणा करेंगे तो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे लिखता हूं मैं यहां 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो अब यहां पर अपन चेक कर लेते हैं इसको, इस तरफ माइनस का कितना है, 2 है, इस तरफ माइनस का कितना है, 1 है, इस तरफ माइनस का कितना है, 1 है। तो यहां माइनस का 1 है, यहां पर माइनस का 1 है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर देखें, इधर माइनस का 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 2 ज्यादा है, तो क्या करें, बेसिक मीडियम में क्रिया है, कौन सी मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्रिया है, तो बेसिक मीडियम में क्रिया होने पर यहां पर अपन क्या कर देंगे, 2OH निगेटिव आयन जोड़ दे देंगे, ताकि आवेश जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इस मेथड में अपने को सबसे बड़ी बात यह ध्यान में रखनी है कि अभिक्रिया में आवेश जो है, मतलब जो चार्ज है, वो दोनों तरफ का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब यहां पर अपन देखेंगे कि इस तरफ अपने पास में 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, अपन लेफ्ट हैंड साइड में एक जलकाणु जोड़ देते हैं। तो यहां पर नीचे आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा नीचे, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस एक वाटर का अणु मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, प्लस आ जाएगा 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब इसको चेक कर लेते हैं अपन कि बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन। तो इक्वेशन के नीचे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैंगनीज कितने हैं, 2 देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर भी कितने मैंगनीज हैं, 2, इधर आपका Br माइनस 1, यानी Br इधर भी 1 है,
इसके बाद में यहाँ दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई है, दो इधर है तो चार दूनी आठ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आठ और एक नौ, इधर आ जाएंगे आपके चार और तीन सात और दो नौ। यहाँ पर अपन चार देख लेते हैं, माइनस का कितना है दो, माइनस का कितना है एक, इस तरफ कितना है माइनस का एक और ये माइनस के दो, अर्थात दोनों तरफ में माइनस तीन और इस तरफ भी माइनस का तीन। तो इस तरीके से अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा बैलेंस करते हैं। तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप दी गई अभिक्रिया को लिखिए। दी गई अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को यही देखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना घट रहा है। जब अपन ये समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना कम हो रहा है, वो अगर अपना सही होगा तो अपन इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, अन्यथा अपनी अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। तो प्लस सात प्लस चार, उसके बाद में माइनस एक, प्लस पांच, प्लस सात से प्लस चार, मतलब माइनस, मतलब तीन कम हो रहा है, माइनस एक से पांच यानी छह बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को अपन दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैंने यही किया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर बी आर माइनस, इस समीकरण को अपने को छोड़ना नहीं है, तो यहां पर माइनस दो देख पा रहे हैं, माइनस का एक या माइनस का एक, इधर अपन ने क्या कर दिया, आवेश को बैलेंस करने के लिए टू ओ एच माइनस लिखे। अब यहां पर थोड़ा आपको बता दें कि ये क्रिया कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है, तो अपन क्या जोड़ते हैं, ओ एच निगेटिव आयन जोड़ते हैं। और यही क्रिया यदि कौन से मीडियम में हो, एसिडिक मीडियम में हो, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हो, तो अपन क्या जोड़ते हैं, एच पॉजिटिव आयन जोड़ते हैं। और उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणुओं को बैलेंस करने के लिए अपन वाटर मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, वो अपने को दाईं तरफ जोड़ना है, बाईं तरफ जोड़ना है, वो अपन करते हैं। अब यहां पर आपको ये रेडॉक्स अभिक्रिया में आप इतना तो जानते ही हैं कि जो रिडक्शन सेल होती है, मतलब अभिक्रिया जो अपचयन की क्रिया है, उसके अंदर पदार्थ जो है वो किसका काम करता है, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजर का काम करता है, और अपचयन अभिक्रिया के अंदर जो मैंने बताया अभी आपको ऑक्सीडाइजर, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में रिड्यूसर का काम करता है। तो यहाँ पर प्लस सात से प्लस चार, मतलब ये क्या है, रिडक्शन, तो इसके अंदर जो MnO4 है वो किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजर का काम कर रहा है, और Br नेगेटिव है वो किसका काम कर रहा है, रिड्यूसर का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन एक और उदाहरण